हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट्स फॉर मैटर वेव्स। फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट जीपी थॉम्सन ने डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस के प्रूव करने के लिए दिया था, जो कि है डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हर मैटर के साथ एक वेव एसोशिएट रहती है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए डेविसन जर्मन और जीपी थॉम्सन इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। डेविसन जर्मन का एक्सपेरिमेंट इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए भी उनके पास वेव बिहेवियर होता है। इसी तरह से जीपी थॉम्सन ने भी एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होते हैं और वेव कैरेक्टर को शो करते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट में फिर डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? इसका डिफरेंस ये है कि एक तो डेविसन जर्मन ने स्लो इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, यानी लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया था, उसमें नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगती है, और जीपी थॉम्सन ने हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया था, तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगती है। दूसरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि डेविसन जर्मन ने एक निकिल का क्रिस्टल लिया था। निकिल का क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल था, उसमें जो एटम्स थे वो रेगुलरली अरेंज थे पूरे वॉल्यूम के अंदर, और जीपी थॉम्सन ने जो लिया है गोल्ड की फॉइल ली है, गोल्ड की फॉइल लेके किया है, एल्युमिनियम की फॉइल लेके भी किया गया। इसमें जो एटम्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेटेड हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, और डेविसन जर्मन में नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, जीपी थॉम्सन में रिलेटिविस्टिक केस है। लेकिन दोनों का जो एम है वो यही है कि डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसके साथ वेव एसोशिएट रहती है, तो दोनों ने यही प्रूव किया था। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से, जो कि जीपी थॉम्सन ने किया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इसको एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा गया है, ये यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें एक कैथोड है, एक एनोड है जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, और उसको हाई पोटेंशियल की बैटरी से लगाया गया है। ये लगभग 50,000 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया गया है। डेविसन जर्मन ने 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल लगाया था, और इन्होंने अबाउट 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल लगाया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यह कैथोड से निकले हैं हाईली एक्सलेट हो जाएंगे, और उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कंपेरेबल टू लाइट हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिविस्टिक केस बन जाता है। और यहाँ से चैनलाइज होके ये गोल्ड फॉइल लगाई है, जो कि बहुत ही थिन है, लगभग 10^-6 मीटर के थिकनेस की गोल्ड फॉइल के ऊपर जब ये इंसिडेंट होते हैं, तो उससे कुछ डिस्टेंस पर फोटोग्राफिक प्लेट लगाकर पैटर्न लिया गया इन डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का। तो पैटर्न इस तरह से डेवलप किया गया, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट नहीं हो रहे थे वो सेंटर पे जा रहे थे, और जो डिफ्रैक्ट हो रहे थे तो वो इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करके जीपी थॉम्सन ने किया गोल्ड फॉइल के केस में इंटरप्लेनर स्पेसिंग को कैलकुलेट किया कि गोल्ड के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, ठीक है। और इसको गोल्ड के लिए ही एक्सरेज डालकर, एक्सरेज जो कि लाइट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब एक्सरेज डालकर डी की वैल्यू निकाली गई फॉर गोल्ड फॉयल, तो तब उस केस में भी मैच किया गया। दोनों कंडीशन में इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू सेम निकल के आ रही थी, तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन के साथ मैटर वेव एसोशिएट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोशिएट हैं। तो एक्सपेरिमेंट में करना क्या है हमें, सबसे पहले 2d साइन थीटा, हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने d की वैल्यू निकाल ली है, और फिर एक्सरेज की हेल्प से d की वैल्यू मैच कराई है। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये ब्रैग्स की डिफ्रैक्शन कंडीशन है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रैक्शन के लिए, और थीटा अगर बहुत स्मॉल है, देखिए अगर मान लिया एक गोल्ड फॉइल है और एक ब्रैग्स प्लेन्स ये है, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये 2 थीटा हो जाएगा,
ये बहुत स्मॉल एंगल्स है, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया गया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लिया एल है गोल्ड फॉयल से स्क्रीन के बीच की, और मान लिया फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है और इसका वैल्यू आर है। यहाँ से यहाँ तक एक रिंग मिल रही होगी, ठीक है ना, उस रिंग की डायमीटर डी है लेकिन इसकी रेडियस आर है। तो इस तरह से दिखाया गया है फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रैक्शन के लिए एंगल 2 थीटा। तो अब इस कंडीशन से आप देखिए, एंगल जब बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, डी की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए लैम्डा अपॉन 2 थीटा हो जाएगी। ठीक है, साइन थीटा थीटा हो गया, 2 थीटा इधर ले गए हम, एन की वैल्यू 1 है। और स्मॉल एंगल्स के लिए डी इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन टेन 2 थीटा। ओके, स्मॉल एंगल्स के लिए 2 थीटा टेन 2 थीटा हो जाएगा, और टेन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो जाएगी यहां से देखिए आर अपॉन एल। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा आर एल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से। अब हमें इसमें एल भी पता है आर भी पता है, लेकिन हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है। लैम्डा क्या है, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव, उसको हमें नहीं पता है, उसको हमें निकालना है। तो देखिए डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस ही लेंगे, डी ब्रॉगली बोलो या डी ब्रॉय बोलो एक ही बात है। उसके अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच प्लैंक कांस्टेंट, पी मोमेंटम, तो एच अपॉन एम वी होता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि हाई पोटेंशियल पर एक्सेलरेट कराया गया है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, रिलेटिविस्टिक मास लगेगा। तो यहाँ पे जो मास होगा ये रेस्ट मास ना लगकर रिलेटिविस्टिक मास लगेगा, और रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ये एम नॉट रेस्ट मास है, ये रिलेटिविस्टिक मास है। तो ये रिलेटिविस्टिक मास लगा है, तो हम यहाँ पे एम नॉट वी अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। लेकिन अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एच नोन है, रेस्ट मास नोन है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है क्या है, इसको भी निकालना पड़ेगा। आपको पता है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू ई क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी क्यू इंटू कितना पोटेंशियल लगाया। ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा, और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये किसकी इक्वल होना चाहिए, एम नॉट एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर से दी जाती है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू वी। क्यू इसमें चार्ज है, जितना चार्ज यहाँ से निकल रहा है वी पोटेंशियल लगाने पर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगी, और ये वाला रिलेशन लग जाएगा। तो यहाँ से हमने एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² माइनस एम नॉट c². ओके, ये क्यू वी के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं, देखिए अगर हमने एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया है और 1 - v² अपॉन c² की पावर -1/2 - 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, q इंटू वी के। अब हमने क्या किया, इसको इधर ले गए हैं, तो 1 - v² अपॉन c² -1/2 - 1 इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, और नेक्स्ट लाइन में 1 - v² अपॉन c² की पावर -1/2 इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर +1। ओके फ्रेन, अब हमने जेड, लेट जेड इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इसको मान लिया, तो 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 की वैल्यू जेड +1। ये तो अभी आई है 1 - v² अपॉन c² की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं।
अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ को हम उधर ले गए तो जेड प्लस 1 की पावर माइनस 2 हो जाएगी। अब हमने इसको 1 को हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ठीक है। अब हमने क्या किया, v की वैल्यू निकाली तो v इज इक्वल टू सी, देखिए c उधर जाएगा, स्क्वायर रूट भी साथ में कर रहे हैं तो 1 माइनस जेड प्लस 1 की पावर माइनस 2 और स्क्वायर का की वजह से इधर हाफ, तो ये v की वैल्यू निकल गई है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब हम इसको हटा देते हैं जिससे सारे स्टेप रहे कैलकुलेशन के। अब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू हम यहां पर रख देंगे और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू यहां रख के d की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड इंटू इक्वेशन थर्ड, तो देखिए क्या होगा, v 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c इंटू 1 माइनस जेड प्लस 1 की पावर माइनस 2 की पावर हाफ इंटू v की वैल्यू है जेड प्लस 1, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से इसको नीचे ले गए तो ये देखिए माइनस 2 पावर है तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। इसको हमने यहां कर दिया तो जेड प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा जेड प्लस 1, ये जेड प्लस 1 क्योंकि ये बाहर आ गया है स्क्वायर तो ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, और यहां पे हम इसको खोलने वाले हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z माइनस 1 की पावर हाफ, तो 1 से 1 कैंसिल, अब हम क्या करेंगे 2z को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस जेड अपॉन 2 ओके की पावर हाफ, तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ गई है और हमें पता है z की वैल्यू क्या है, देखिए z क्या कहां पे लिया था हमने, यहां पे qv अपॉन m नॉट c स्क्वायर, तो 2qv अपॉन m नॉट c स्क्वायर, एक तो ये इंटू 1 प्लस qv अपॉन 2 m नॉट c स्क्वायर इसकी पावर हाफ, ये आ गया है। अब हमें क्या रखना है, इसकी वैल्यू यहां इक्वेशन में रखनी है, इस इक्वेशन में v अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h अपॉन m नॉट, और इसकी वैल्यू रखी है c 2 q v अपॉन m नॉट c स्क्वायर की पावर हाफ ओके, और इंटू 1 प्लस qv अपॉन 2 m नॉट c स्क्वायर। इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो अब हम d की वैल्यू रख देंगे, d इज इक्वल टू l अपॉन r, लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है h अपॉन m नॉट c को अगर हम इसके अंदर लेके जाएं तो m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा और उससे कट जाएगा तो c स्क्वायर भी कट जाएगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2 q m नॉट v, ठीक है अंडर रूट का, और साथ में एक टर्म आएगी 1 प्लस qv अपॉन 2 m नॉट c स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है यहाँ पे तो हाफ थी पावर और यहाँ पे माइनस हाफ हो गई है। तो अब यहाँ पे हमने ये निकाला है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ गोल्ड अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो इतनी निकल के आती है। अगर आपको याद है फ्रेंड्स तो देखा होगा आपने कि लैम्डा की वैल्यू इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन क्या निकल के आती है, यहाँ से इसको सॉल्व अगर करें एच अपॉन अंडर रूट 2 क्यू वी एम नॉट, ठीक है 1 प्लस क्यू वी अपॉन 2 एम नॉट सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, तो अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा है
नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन है तो लैम्डा इज इक्वल टू ये आता है. रिलेटिविस्टिक कंडीशन में ये टर्म एक्स्ट्रा है, ये क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ाया है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कंपेरेबल टू लाइट हो गई है, तब रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगी है तो ये एक्स्ट्रा टर्म आई है. इसकी हेल्प से डी की वैल्यू निकाली है और डी की वैल्यू एक्सरेज के केस में भी निकाली. जब एक्सरे से गोल्ड फॉयल को डिफ्रैक्ट कराया गया तब उस कंडीशन में भी डी की वैल्यू जो आई और इस कंडीशन से जो डी की वैल्यू आई वो दोनों सेम आई. तो ये प्रूव हो गया जीपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट होती है. तो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस इससे क्लियर हो गई है. तो आज का लेक्चर इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं. थैंक यू.